मिसाल। नाजिन जी तवा के खबर आए तो रमजान जो बाबरकत महीनों शुरू थी चुको है अस तवा के वाधायूं भी दूँ था बाबरकत महीने में यकीनन हर को रोज़ा रख अला साईं की इबादत कह भरपूर नमूने से पर असी अक्सर कर दिठो है तो जी ही बाबरकत महीनों रमजान शुरू थी तो महंगाई जो है बुलंद तरीन सतह से पहुंचे असा नजर इंदी है मानुन जो रड़ियों दाहूँ असा बुधण में इंदून सब्जियों हुजन या जे भी खाद पीत जो शूं हुजन थियं उन प्राइस है नाजिन वह तमाम घनी वधी वेंदी है। हालांकि असांजी आवाम असांजा माण्हू इहो एक्सपेक्ट कंदा आहिनि त बाबरकत भलारे महीने में शयुनि जा अघ जेके आहिनि उन्हनि खे घटायो वञे पर असीं ॾिसंदा आहियूं त उहे घटण जे बदिरां वधी वेंदा आहिनि। सो इन ई हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर महांगाईअ जो को हल आहे या न ऐं जेके रिलीफ जेको रिलीफ असांखे असांजी हुकूमत ॾिए पई जेकॾहिं स्पेसिफिकली सिंध हुकूमत जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि अटे ते हिन भेरे सब्सिडी ॾियण जो ऐलान कयो आहे ऐं गॾोगॾु इहो बि चयो आहे त 78 यानी 78 लख खानदाननि खे हू अटो फराहम करणु वञनि पिया घटि रेट में। सो उन ई सां गॾोगॾु हुननि इहो बि ऐलान कयो आहे त हू पैसा जेके आहिनि फराहम करणु वञनि पिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए 78 78 लख खानदाननि खे सस्ते अटे जे लाइ त छा इहा बहितर पॉलिसी आहे सुठी पॉलिसी आहे या हुकूमत बचाव मुहिम आहे ऐं गॾोगॾु वफ़ाक़ी हुकूमत जी बि नाज़रीन ॻाल्हि कयूं त उन्हनि बि पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो ऐलान कयो आहे जंहिंखे हू चवनि था त अपेरेंटली हिन खे असांखे सब्सिडी चवणो पवे पियो पर दरअसल हीअ सब्सिडी न आहे पर उनखे हीअ ओवरऑल एज़ अ रिलीफ ॾियनि पिया त हू चवनि पिया त ग़रीब खे सस्तो तेल ॾियण जे लाइ असांखे अमीर खे महांगो पेट्रोल ॾियणो पवंदो। सो इन ते बि वधीक ॻाल्हि ॿोल थींदी। मूंसां तमामु ज़बरदस्त पैनल हिन वक़्तु मौजूदु आहे स्टूडियोज़ में मूंखे जॉइन कयो आहे सैयद आमिर सजाद साहब जेके सीनियर तज़िया निगार आहिनि ऐं गॾोगॾु सनतकार बि आहिनि। सो आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम कि आप आए प्रोग्राम में और इस अहम इशू पे बात करने के लिए आपने वक्त निकाला ऐं गॾोगॾु नाज़रीन मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बैग साहब जेके सीनियर मईशतदान आहिनि ऐं ॾाढी गहरी जेको आहे नज़र रखनि था जेके मुआशी मसला एग्ज़िस्ट कनि था। सो अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी जी थैंक यू सो मच ऐं गॾोगॾु नाज़रीन मूंखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते ॿिनि ॿियनि महिमाननि जंहिंमें शामिलु आहिनि ग़ज़ाला सियाल साहिबा जेके पीपल्स पार्टी जूं सीनियर अॻवान आहिनि ऐं उन्हनि सां बि अॼु असीं अहम गुफ़्तगू इन हवाले सां कंदासीं त महांगाई मां जेकी लुतड़ियल आवाम आहे आख़िर उन जो केरु वाही आहे। सो अस्सलाम वालेकुम ग़ज़ाला साहिबा अव्हांजी बि वॾी महिरबानी त तव्हां टाइम ॾिनो। अलहमदा वेरी वेल उमेदु आहे तव्हां बि ख़ैरियत सां हूंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां टाइम ॾिनो ऐं नाज़रीन मूंखे ॿिए तरफ़ जॉइन कयो आहे इमदाद सुफ़रो साहिबु जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि उन्हनि खे बि असीं भलीकार चऊं था। इमदाद साहिबु अस्सलाम वालेकुम अव्हांजी वॾी महिरबानी जी इमदाद साहिब तव्हां वटि आवाज़ अचे पियो असांजो जी ठीकु आहे। सो नाज़रीन प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ जेको आहे शुरूआति असीं करे वठूं था त आख़िर हीअ जेकी आवाम रड़ियूं दाहूं करे पई जेके असीं ॾिसंदा हुयासीं माण्हू काल्ह सुठियूं शयूं मयारी शयूं इस्तेमालु कंदा हुया अॼु उहे ग़ैर मयारी शयुनि ते लही आया आहिनि जेके काल्ह कार ते घुमंदा हुया अॼु उन्हनि खे बाइक जो इस्तेमालु करिणो पवे पियो। असीं इहा ॻाल्हि पंहिंजे प्रोग्राम्स में बार बार हाईलाइट कंदा अचूं पिया। सो शुरूआति कयूं था तव्हां सभिनी जी इजाज़त खां पीपल्स पार्टी से तालुक़ जो रखंदी आहियां ग़ज़ाला सियाल साहिबा पहले उनका मौक़िफ़ शामिल गुफ़्तगू कर लेते हैं और फिर जो है दूसरे एक्सपर्ट्स की जानिब में बढ़ना चाहूँगी। ग़ज़ाला साहिबा हिन भेरे अटे ते सब्सिडी बल्कि आउं पहिरियों तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त हुकूमत रमज़ान जे बाबरकत महीने में अवाम जे लाइ कहिड़ा सुठा जे लाइ अनाउंसमेंट्स जेके आहिनि ऐलान वग़ैरह कया आहिनि जो अवाम ॿुधी करे उन्हनि खे ख़ुशि थी वियो हुजे या शुकुर कंदो हुजे त आख़िर हुकूमत खे ख़्यालु अची वियो उन्हनि जो। जी बिल्कुलु लैला जीअं तव्हां स्टार्ट में तफ़सील सां ॿुधायो महांगाई जेको आहे वधी वई आहे बिल्कुलु महांगाई ज़ोर सां वधी वई आहे इन जो त हर कोई मञे पियो हुकूमत वारा बि मञनि पिया ऐं हुकूमत में वेठा आहिनि प्राइम मिनिस्टर साहिबु मतिलबु आहे त ग़रीबनि खे महांगाई आहे ऐं इलाही इन जा कारण आहिनि महांगाई जा। हिकु त असां वटि जेको फ्लैट आयो आहे उन में बि काफ़ी नुक़सान थियो हुयो उन में असांजा जेके फसल हुया सब्जियूं हुयूं ऐं ज़ाहिर खाद खुराक फ्रूट जेको इलाही असांखे नुक़सान पहुचो इन जे करे असांजी डिमांड जेका आहे वधी वई ऐं सप्लाई असांजी घटि थी वई ऐं ॿियो त ज़ाहिर आहे इहो IMF जो जेको असां ते बोझ विधो वियो IMF इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अचे कान थी त तव्हां अवाम खे सब्सिडी ॾियो या पेट्रोल ॾिसो केॾो महांगो थी वियो आहे पेट्रोल महांगे जे करे
असांजे सभिनी जेके शयूं आहिनि उन्हनि सभिनी ते असर पवंदो आहे। जीअं ई पेट्रोल महांगो थींदो वियो IMF जो असां मजबूर आहियूं, हर कोई मजबूर आहे, जेका बि हुकूमत अचे थी IMF खां कर्ज़ वठे थी, कर्ज़ वठण खां सवाइ असां हली कोन था सघूं। इन करे अटे में रिलीफ थींदो आहे ऐं पेट्रोल जेको आहे ग़रीब जेके मोटर बाइक वारा आहिनि उन्हनि ते थोरो पियो आहे त भई उन्हनि खे पेट्रोल घटि ॾिनो वञे, घटि रेट सां ॾिनो वञे। इन करे मां चवां पई त वाकई महांगाई आहे जंहिंजो असां सभु हुकूमत में हुजूं या न हुजूं असां मञूं था। हाणे महांगाई जो जेको जिन आहे उनखे कीअं ख़तमु कंदासीं, इन में तव्हां सां गॾु जेके बिज़नेसमैन आहिनि, ताजिर हज़रात आहिनि ऐं तजिया निगार आहिनि, उहे बि ॿुधाईंदा त असां जेसि ताणी सभु मिली करे पाण में कोई अहिड़ो लाहे अमल या अहिड़ी पॉलिसी न आणींदासीं जेसि ताणी असां बिल्कुल गज़ाला साहिब, उहो त हर कोई वेही करे ॻाल्हि करे पियो त मिली करे वेही असांखे हल कढणो आहे मसइले जो, ऐं तव्हां ऑलरेडी खोड़ जमातूं जेके आहियो पाण में मिलियल बि आहियो त तव्हांखे त हथियो इन हवाले सां अघ भरो रहणु घुरिजे। पर तव्हां जीअं ॻाल्हि कई रिलीफ जी त ॿोॾि बि आई, इहो बि इन जो हिकिड़ो कारण आहे, महांगाई वधी वई, मईशत खे नुक़सानु थियो, त तव्हां ॿोॾि वारनि खे बि त ओतिरो रिलीफ न ॾेई सघिया न। तव्हां ॾिसो त उहे उन्हनि खे पैसा जेके तव्हां घर ठाहिण जे लाइ ॾियणु वञो पिया, उहे बि शायदि हिन वक़्तु ताईं उन्हनि खे जारी न थिया आहिनि। तव्हां लास्ट टाइम हुयो पहिरीं किश्त उन्हनि खे मिली वई आहे। एग्रीकल्चर में जिन्हनि जी ज़मीननि खे जिन्हनि जे फसलनि खे नुक़सान थियो आहे उन्हनि खे 5000 फी एकड़ असां ॾिनो आहे जी बिल्कुलु। ज़ाहिर आहे जेतिरी असां वटि नुक़सान त नई थियो आहे न फ्लड में, त सब्सिडी इन थ्रू एग्रीकल्चर जे थ्रू उन्हनि खे ठीकु, जेकॾहिं रक़म जारी थी आहे त सुठो आहे, पर असांजे ज़रियनि मूजिबि त जेके घर मुतासिर थिया हुया उन हवाले सां रक़म अञा ताईं जारी न थी आहे। पर ख़ैर वधीक सर्वे जो जेको आहे असांखे ख़बर पई आहे। बहिरहाल अॻिते वधूं था प्रोग्राम में, मज़ीद इन ते वधीक बि ॻाल्हाए वठंदासीं असीं। डॉक्टर मिर्ज़ा, आपकी तरफ़ में आना चाहूंगी। जो ग़ज़ाला साहिबा ने मुख़्तलिफ़ फैक्टर्स आगे रखे कि हमारी मईशत को नुक़सान पहुचा, तो वो उनको एज फैक्टर्स डिस्क्राइब करी थी कि उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो बहुत बड़ी है। आप इसको टेक्निकली कैसे देखते हैं कि वाकई में महंगाई हमारी हुकूमतों की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ी है, या इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे देखने वाले भी इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो महंगाई है जिसको अफराते दर कहते हैं, इस वक्त ऑफिशियली जो उसकी फिगर है 47% विच इज अनप्रेसिडेंटेड, और 50-60 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। वो हुकूमत मान रही है कि 47% पे अफराते दर पहुंच गई है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। पहली वजह तो यह है कि हमारा रुपी जिस बेदर्दी से डेप्रिशिएट हुआ है, हमारे ज़खायर कम होने की वजह से, IMF की शराइत और जो महंगाई पे उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कोरिलेट करता है, तो रुपए की वैल्यू 285 और 284 पे आज आ गई है जी। अब आपकी ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, आपके खाने पीने की अशिया इम्पोर्टेड हैं, जिसमें आप शुगर भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप गेहूँ भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप खुर्दनी तेल भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप दालें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, सही है ना। तो ये तमाम चीज़ें आप जो $1 में पहले 270-280 रुपये में आप देने पड़ते थे, आज 285 रुपये आपको देने पड़ रहा है, लिहाजा उसके कॉस्ट ज़्यादा हो गई। फिर हुकूमत ने कस्टम ड्यूटियों में इजाफा कर दिया, IMF के कहने पर रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करने थे, तो इन अशिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया है कस्टम ड्यूटी का, वो भी इसकी महंगाई में इजाफा कर रहा है। तो आपकी इम्पोर्टेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा, लिहाजा इसकी तो एक ही हल है जो आप पूछेंगे कि ये नशिया को जो हम पहले खुद लोकली प्रोड्यूस करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फाल था, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है कि दुनिया के सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम, ज़रख़ेज़ ज़मीन, मेहनत कश किसान और चारों मौसम, इसको हम इस्तेमाल करते थे। तो ये सब चीजें जो मैंने ली कि $4 बिलियन की खुर्दनी तेल, $2 बिलियन की चाय हम पी गए हैं,
तो ये हम लोकली न सिर्फ खुद कफील थे बल्कि एक्सपोर्ट करते थे। तो पहला तो ये है कि हमें ज़रात को दोबारा रिवाइव करना होगा, बहाल करना होगा, और लोकल बनानी होंगी इन चीज़ों को, लोकल प्रोड्यूस करना होगा, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी। बाबा कौम ने पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था ज़रई सनती पाकिस्तान था, हम ज़रई सनती पाकिस्तान से हट के अब इम्पोर्टेड बेस्ड इम्पोर्टेड ग्रोथ पे चले गए कि चीजें इम्पोर्ट की और मार्केट में सप्लाई करें। ठीक है, आपकी गुफ्तगू से मुझे जी से यही समझ आया कि हमने, अच्छा आप पूरी कर लें अपनी बात। जी जी प्लीज, नहीं नहीं आप बात कर लें फिर मैं आगे। ठीक है, मैं यही कहना चाह रही थी कि मुझे आपकी गुफ्तगू से यही समझ आया कि प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाना भी एक बहुत अहम फैक्टर है हमारी मईशत को जो नुकसान हुआ है, और उसके नतीजे में जो हम अभी महंगाई के नतीजे में नाज़िम जेको कुछ भोगे रहे हैं। इमदाद साहब तव्हांजी तरफ़ आउं अचणु चाहियां थी क्विकली। त छा तव्हां बि सम्झो था त महांगाई हिन वक़्तु जंहिं हद ताईं वधी वई आहे, 47% जेको नंबर असांखे ॿुधायो वञे पियो, त उहो वाकई में माण्हुनि जी ज़िंदगी जे मयार ते शिदत सां असर विझी रहियो आहे ऐं तमामु घणो आम माण्हू जेको आहे मुतासिर थिए पियो। लैला साहिबा, तमामु घणो असर पियो आहे। जीअं मैडम जंहिंजो मां सही तरीक़े सां आवाज़ त न ॿुधी सघियसि, पर कुझु कुझु ॻाल्हियूं मूंखे ॿुधण में आयूं, त हीअ जेके हुकुमरान दावा था कनि त असां आटे ते सब्सिडी ॾेई छॾी आहे। कल्ह पंजाब में ॿ टे माण्हू, हिकिड़ी औरत जेका आहे असां वटि में अटो, सस्तो अटो वठण जे चकर में फौत थी वई, के पी के में माण्हू फौत थिया, कराची में माण्हू फौत थिया, ऐं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इहे शयूं अचनि थियूं। इन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त महांगाईअ आवाम सां केतिरो हाल कयो आहे। हीअ जेका हुकुमराननि जी नाहेली जी सज़ा आवाम भोगे थो, त हुनजो हल इहो सस्तो अटो प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा 2-3 हज़ार न आहिनि। हिन मुल्क जी बर्बादी शुरूअ खां वठी उन्हनि माण्हुनि कई आहे जेके हिन मुल्क जा हुकुमरान रहिया। असां वेझे माली खां जेकॾहिं रुगो 2008 खां वठी शुरू कयूं त 2008 खां अॼु असां 2023 में वेठा आहियूं, त हिकिड़ी सियासी जमायत जो हिते मतिलबु हुकुमरानी आहे जेका असांखे सस्ते अटे ऐं केॾी महिल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा लॉलीपॉप त ॾिए थी, पर उन्हनि जी मुजुर्माना जेको आहे सो किरदारु इन मां साम्हूं अचे थो त 2008 खां वठी 2023 ताईं हीउ जेको 14-15 सालनि जो हिन जो जेको दौरु आहे, इन में हिननि किथे जेको आहे सो इंडस्ट्री खे अॻिते वधायो आहे, किथे हिननि ज़रई सेक्टर में जेका आहे असां इज़ाफ़ो आंदो आहे, किथे हिननि आम जेको हारी आहे उनजी ज़िंदगीअ खे तब्दील करण जे लाइ हिननि सुठो कमु कयो आहे। सिर्फ़ असांखे तरक़ी सिर्फ़ हिकिड़ी ॻाल्हि में नज़र अचे थी, उहा आहे करप्शन, जेका रोज़ ब रोज़ वधंदी रहे थी। तव्हां सिंध में ॾिसंदो त किरोड़े माण्हू गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारनि था, त ॿिए तरफ़ तव्हांखे 1000 खां 1200 उहे माण्हू जेके 2008 खां वठी फुटपाथ थिया हुआ, महांगाई ख़तम करणी आहे या मुल्क खे बेहतर हालतुनि जी तरफ़ वठी वञिणो आहे, पर ही चवनि था 78 लख ख़ानदाननि खे अटो फराहम करणु वञनि पिया, हुन खां अलावा इंडस्ट्री जंहिंजो हिन असांजे सिंध सूबे मां नालो निशानी ख़तम थी पियो आहे, हिकिड़ो लूलो लंगड़ो असां वटि नूरियाबाद इंडस्ट्री ले आई, उहा बि तेज़ी सां ख़तम थींदी थी वञे, ऐं किथे बि इंडस्ट्री असांखे नज़र कोन थी अचे। 15 सालनि में हिननि हिकिड़ो सनती यूनिट कोन लॻारायो आहे, को वॾो प्रोजेक्ट कोन शुरू कयो आहे, त इन लाइ सीरियस एफर्ट्स वठणा पवंदा, तंहिंखां पोइ आवाम जूं हालतूं बहितर। ठीकु आहे, तव्हांजो पॉइंट अची वियो त सस्तो अटो प्रोग्राम या पेट्रोल ते सब्सिडी जहिड़ा प्रोग्राम जेको आहे मुल्क जा हालत बहितर नथा करे सघनि। आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप चूंकि एक सनतकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और उसके साथ साथ एक सीनियर एनालिस्ट भी, तो आपसे अब जैसे इमदाद साहब फरमा रहे थे कि पेट्रोल सब्सिडी जैसे प्रोग्राम या सस्ते आटे जैसे प्रोग्राम जो है वो हल नहीं है मसाइल का, जो हमारी इस वक्त आम आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि उसे रिलीफ चाहिए, तो वो इस सूरत में देना जो है इस मसले का हल नहीं। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, और देखें प्रॉब्लम क्या है कि हमें टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें परमानेंट सॉल्यूशंस चाहिए, और ऐसे सॉल्यूशन चाहिए कि जिससे मजीद बेहतरी आए। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, और ऐसे पैकेजेस ला के हम कोई खैराती कौम तो नहीं है खुदा न खास्ता। तो यानी ये पैकेजेस भी आपको ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि जैसे खैरात दी जा रही है? वक्ती तौर पे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और वो वक्ती तौर पे ही आपकी मदद कर रही है और लॉन्ग टर्म में आपको कोई वो सपोर्ट नहीं कर रही, ये कब तक होता रहेगा? आप देखें ना, पाकिस्तान को बने हुए हो गए 75 साल। ठीक है, तो 75 साल बाद अगर आप देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं,
आपकी जो महंगाई की शरह थी पिछले 10 साल की वो 7.80% थी, और अब जैसे मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने भी बताया कि 47%, मतलब है कि ये पिछले मंथ के फिगर हैं, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और आगे जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये पैकेजेस तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। और डॉलर जहाँ चला गया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीज़ें और जो महंगाई की शरह जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखेंगे मार्केट में इस डॉलर के बढ़ने से क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। बिजनेसमैन क्या मांगता है, बिजनेसमैन कहता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की। आप आज बैठते हैं प्राइस फिक्स करते हैं, कल डॉलर का रेट इतना ऊपर चला जाता है या दो तीन दिन के अंदर कि वो रेट आपको एप्लीकेबल ही नहीं होता। इसी तरीके से जो फार्मा की इंडस्ट्री है वो भी बहुत हिट हो रही है। अच्छा। आपका जो रॉ मटेरियल है बाहर से जो आता है वो डॉलर बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आप देखें कि अगर आप इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट को कंपेयर करें फार्मास्यूटिकल की, हमारी जो इंपोर्ट है पाकिस्तान की वो है 3.78 बिलियन डॉलर्स की, और उसके अगेंस्ट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल वो है 268 मिलियन की। तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अगर हम ये सही तरीके से इसको देखें और इसका जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि इसी के अंदर पाकिस्तान का तरक्की का रास्ता छुपा हुआ है। किस तरीके से कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट में तब्दील करें, और वो फिर हम यूज़ ही नहीं करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में सामान बना के भेजेंगे। तो जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी जो है आमदनी डॉलर में आ सकती है। जी सही है, ठीक है, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। तीनों मेहमानों गज़ाला साहिबा तव्हांजी तरफ़ आऊं इंदसि, जेकी टिनी महिमाननि जी तमामु गुफ़्तगू या ओपिनियन ॿुधो त हुननि मां मूंखे इहो ई सम्झ में आयो, हू चवंदा त हीअ जेके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराए थी त इहे क़ाबिल तारीफ़ न आहिनि, यानी इन मां कंहिं क़िस्म जो फ़ाइदो या इहे मसलनि जो हल न आहिनि। छा वाकई में तव्हां बि इहे सम्झो था, या तव्हां सम्झो था त बिस जे ज़रिए बाबा हेॾा हज़ार रुपया माण्हुनि खे ग़रीब खानदाननि खे ॾियो था त तव्हां त इहो वॾो भलाईअ जो कमु कयो पिया आवाम जे लाइ, इहो क़ाबिल तारीफ़ अमल आहे? ग़ज़ला साहिबा कीअं डिफेंड कंदा आहियो? ॾिसो लेला, जॾहिं कुदरती आफ़तूं ईंदियूं आहिनि त हुन ते हुकूमत जो ई कमु हूंदो आहे त इंसान सां जेके जिन्हनि सां मुसीबतूं टुटियूं आहिनि जिन्हनि उन्हनि जी मदद कई वञे आहे या अदा इमदाद ॿुधाए थी न आहे त पोइ मां उनखे डिनाए कयां भई ईअं आहे त जॾहिं तव्हां ते आफ़तूं अचनि कुदरती त हुकूमतनि जा कम आहिनि हुननि खे रिलीफ ॾियनि, ओॾी महिल हुननि वटि रिलीफ अचे ऐं उन्हनि जी जेके ॾिसो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हर दुनिया में इहो हिते क़ाबिल एतिराम शख़्सियतूं वेठियूं आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे त जेके सोशल हेल्थ जेका हूंदी आहे न, सोशल सिक्योरिटी जंहिंखे चइबी आहे, उहे ख़वातीन उहे मर्द जेके कम कार करे न सघनि, उहे जेके ओल्ड एजिस आहिनि उन्हनि जे लाइ, जेके औरतूं वीचारियूं मजबूर हुजनि उन्हनि जे लाइ हुकूमत जो कमु हूंदो आहे त उन्हनि खे इंसेंटिव ॾियनि, उन्हनि जी मदद कनि। त इनखे त परे कयो त इहो मदद कई थी वञे, इहो हिकिड़ो बहितर कमु आहे ग़रीब माण्हुनि जे लाइ। बाक़ी जेको 2008 खां पोइ 2010 में असांखे ख़बर हूंदी त वॾो हिकिड़ो माह बोड आई उहा बि सिंध में आई हुई। अच्छा। उहे सिंध में ज़ाहिर आहे उन जो बि असर हुकूमतनि ते पवे थो। उन खां पोइ वरी 2011 में शदीद बारिशूं पयूं, वरी हाणे जेको वरी करोना वरी मुसलसल जेके आहिनि ज़ाहिर आहे उन्हनि जी स्टेबिलिटी जे लाइ हुकूमतनि खे टाइम खपंदो आहे ऐं असांजी जेका सियासी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी असांजे मुल्क में ॾिसो त कीअं थी हले, अगरि इहे स्टेबल थी वञनि असांजा सियासी इदारा, असां उहे जेके पॉलिसियूं आणियूं था उन्हनि ते अमल दरामद थिए ऐं इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट जीअं अदा ॿुधायो त असांखे इम्पोर्ट घटि ॿाहिरि मुल्कनि मां दालियूं ऐं इहे चीज़ूं उहे पाण वटि एग्रीकल्चर असां वटि आहे उनखे ज़ाहिर आहे असां माण्हुनि खे लोन फराम पर जीअं पंहिंजो पैनलिस्ट इहो बि कंसर्न्स कंसर्न शो कनि था ग़ज़ला साहिबा, सही कनि पंहिंजे फसलनि खे सही उगाइनि त आवाम खे फ़ाइदो थिए उन्हनि खे एग्रीकल्चर खे फ़ाइदो थिए, सपोर्ट न कंदी तेसिताणी आवाम अचे न। हाणे ॾिसो घर घर घणा किरोड़नि जी तादाद में लेला घर किरी पिया आहिनि, तव्हां उहे ग़रीब माण्हुनि जी हुकूमत ते फर्ज़ु न आहे उन्हनि जी हेल्प करे,
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है न खत्म कंदे अगते न वे बुझा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो रेशो घट न कंदे न मुसीबत में ठीक है उन्हीं पॉइंट से बीठा हो तो इन दौरान कुदरती आपतू भी आयु पर अंदाज साहब जो भी कंसर्न हो तो 2008 का वी 2023 तीन अवड़ो वो प्रोजेक्ट सामू ना आने सो तो कुछ आफतुन जो हवालो दिनों सियासी इंस्टेबिलिटी की तुम गाल था पर गरोगर ज़रात असरे पैनलिस्ट के इन गाल भी कंसर्न है तो ज़रात जो शोबो भी असो पोते पल है प्रोडक्टिविटी असो घट कम क्यों पाया। मिर्जा साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी वही जो बुनियादी सवाल है आज हमारे प्रोग्राम का कि आपको ये पेट्रोल सब्सिडीज़ और सस्ता आटा प्रोग्राम ये अच्छे मसाइल के हल नज़र आते हैं या बिस्क के ज़रिए जैसे पैसे दिए जाते हैं गरीब खानदानों को, तो हमारे काफी पैनलिस्ट ने इससे एतराज़ शो किया है। जी इसका जवाब दो एंगल से मैं दूंगा, एक तो अपोजिशन भी और जो हमारी पीडीएम की हुकूमत है वो भी इस बात से परेशान है कि मुल्क में महंगाई बहुत अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड तक पहुंच गई है, लिहाजा वो कुछ रिलीफ दे के अपना वोट बैंक को भी इंटैक्ट करना चाहते हैं। वो लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो मायूसी है, वो ये एडॉक मेजर्स कर रहे हैं 78 लाख लोगों को सस्ता आटा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सस्ता पेट्रोल, लेकिन IMF ने तो इस बात को भी मना कर दिया, उसने कहा आपने हमारे से पूछे बगैर आप नहीं दे सकते सस्ता पेट्रोल जो शहबाज शरीफ साहब ने और मुसद्दिक मलिक साहब ने पॉलिसी अनाउंस की थी। वो कहते हैं आप हमें ये बताएं कि ये जितने अरब रुपए आप सस्ता पेट्रोल में एक मैकेनिज्म बनाया है जो बड़ा कम्बरसम है उसके बावजूद ये कहाँ से आएंगे, क्या आप अखराजात कम कर रहे हैं, क्या आप इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे जो आपके सब्सिडी के मद में या मराद के मद में आप दे रहे हैं, हमें आपने डिस्कस नहीं किया लिहाजा ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त जो पेट्रोल सब्सिडी की बात करें कि वो आपको कबूल नहीं है कि गरीब को सस्ता पेट्रोल देने के लिए अमीर से जो ये नहीं IMF कोई प्रोग्राम आपने अभी साइन कर रहे हैं नेगोशिएट कर रहे हैं उस प्रोग्राम में उन्होंने लॉक किया है आपके एक्सपेंडिचर्स को, अब आप दूसरे जराए सब्सिडी देके जो जरूरत है गरीब की बिल्कुल उसके लिए ये तो कम से कम है, लेकिन IMF लेंडर है एक बैंकर है वो कहता है कि जी ये जो आपकी इजाफी अखराजात होंगे अपना मराद के सब्सिडी के ये कहाँ से आएंगे, एक इस बात पे और एक उन्होंने जो 6 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल आ रहा है कर्जों की अदायगियाँ जून 2023 तक देनी है वो कह रहा है मुत्तहदा अरब अमीरात सऊदी अरेबिया और चाइना से राइटिंग में मुझे दें कि अगर हम अप्रैल में साइन कर लेते हैं तो हमें ये 30 जून तक 10 अरब डॉलर चाहिए ताकि वो कर्जों की अदायगियाँ हो सके, तो इन दो चीज़ों पर IMF ने हाथ रोक दिया है। सही, लेकिन वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल सब्सिडी पे भी IMF ने कोई ऐसा कंसर्न शो नहीं किया और बड़ा स्मूथली काम चल रहा है, फिर रशिया से भी इनकी बातचीत हो गई है सस्ता पेट्रोल ये खरीदने जा रहे हैं। देखिए वो रशिया से बिल्कुल बात हुई है सस्ता पेट्रोल ले, मुसद्दिक मलिक अभी कराची आए थे हमारी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी दी गई है इसको IMF के प्रोग्राम वालों ने एतराज किया, वो कहते हैं हमें डिस्कस दें डिटेल दें, हम कम से कम ये मालूम करने का हक रखते हैं कि ये इजाफी मरात में जितने अरब रुपए खर्च होंगे जो बोझ पड़ेगा हुकूमत पे ये कहाँ से आप पूरा करेंगे, क्या नए टैक्स लगा रहे हैं या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कम कर रहे हैं या खर्चात में कमी आ रही है। सही बात है, ये IMF की वजह से ये दो चीजें प्रोग्राम रुका हुआ है अभी। ठीक है, ये तो बदला देंगे, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको जस्टिफाई कर देंगे कि खर्चात में कमी कर सकते हैं हम अपने
और ठीक है पब्लिक मिर्जा सेक्टर साहब, आपका डेवलपमेंट आपका प्रोजेक्ट में बड़ा कटौती वैलिड कर सकते पॉइंट्स जो हैं। हैं आ गए आपकी बात से, और वही मैं पॉइंट्स जो इमदाद साहब के आगे रखना चाहूंगी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद साहब तवाट पहुंचे पे आवाज में जो इमदाद साहब लाइन ते ना सा इमदाद साहब आए लाइन ते, खैर शायद राबतो जेको है कटजी वो है। आपकी तरफ आना चाहूंगी आमिर साहब, आप जैसे बिजनेस तबके से आपका ताल्लुक है, तो आप मुझे बताएं कि हमारा जो सनतकारी है वो कहाँ जा रही है, क्या उस पर भी बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है, और ये जिस तरह के प्रोग्राम्स ये जब इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर जब टैक्स की बात आ जाती है, तो हमारा बिजनेस का तबका जो है वो कैसे मुतासर हो रहा है और उनके क्या कंसर्न है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप उसमें न्यूट्रल होकर बात करें चूँकि आप खुद एक बिजनेस मैन है। जी, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे लोग इस वक्त मजबूर हो गए हैं ये सोचने पे कि पाकिस्तान से अपनी जो फैक्ट्रीज हैं या चीज़ें हैं लोग यहाँ से शिफ्ट करें। कुछ उन कंट्रीज़ में जैसे बांग्लादेश है, तो आप देखें कि उसका जो 1% है पाकिस्तान के मतलब है कि उसे कन्वर्ट करें तो 2.90 का डिफरेंस है। सही है, दैट्स ह्यूज। तो कहने का मकसद है कि कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं और पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखें पाकिस्तान का जो टोटल जो डेप्ट है, दैट इज़ $128 बिलियन। पाकिस्तान का एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा कर्ज़ी है। फिस्कल डेफिसिट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की जो आमदन है वो कम है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये जो बीच का जो गैप है ये कभी आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। अब IMF से हम लोग क्या मांग रहे हैं, IMF से हम मांग रहे हैं 1.1 बिलियन। सही, ठीक है। हमने उनसे बात की थी, जो उसका पैकेज का हिस्सा है 6.9 बिलियन का, जो 2019 में बेल आउट पैकेज की हमने उनसे बात की थी। 1.1 बिलियन इतनी कोई बड़ी रकम वैसे देखा जाए तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो है भी, क्योंकि ऐसे बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं या कंट्रीज हैं वो इस पैकेज का वेट करती हैं, वो इस जब तक आपका ये पैकेज नहीं होगा तो वो भी आपको इमदाद नहीं देंगे। अगर ये पैकेज आपका हो जाता है तो आपके समझें कि 8 से 10 बिलियन डॉलर और भी इमदाद आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। आपने फ्लड की बात की, जी वो जो है मुख्तलिफ डिजास्टर्स को जिम्मेदार करार दे रही थी कि एक जैसे तो सियासी इंस्टेबिलिटी फ्लड की बात की, तो ये लोगों के लिए ना ये एक और एक अजीब सी चीज होगी जानने के लिए कि पहले 75 साल हो गए, फ्लड तो आता ही है जी, ठीक है। अब उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि पहले हमें इमदाद मिलती थी और लोग हमें हेल्प भी करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब वो एज अ लोन इमदाद आ रही है। ये आम आदमी को नहीं पता कि अब आपको जो भी कंट्री दे रही है पैसे फ्लड की मद में वो वापस लेंगे आपसे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता। तो हमें ये चीजें देखनी है कि हम पाकिस्तान को लेके कहाँ जा रहे हैं, और हमें अगर ये चीजें हम सॉल्व नहीं करेंगे 75 साल के बाद भी तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आम पाकिस्तानी आप देखें कि आप 1,28,000 पाकिस्तानी जो थे पिछले 2 महीने के अंदर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आप अगर पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं सदर, वहां पे पांव रखने की जगह नहीं है। ये कौन सी फिजा है, कैसी फिजा है ये, कि आपका जो ब्रेन ड्रेन है यहाँ से अगर इस तरीके से होता रहेगा। हमारी यहाँ पे कुव्वत क्या है, हमारी कुव्वत है यूथ, 60% जो पॉपुलेशन है आपकी वो यूथ है। लेकिन अगर यूथ इनसिक्योर होगी तो वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि पाकिस्तान एक इनसिक्योर अगर जगह है कि यहाँ से चला जाया जाए, कि ये यहाँ पे हमारा फ्यूचर नहीं है, तो गैर मुस्तहकम फ्यूचर अगर हम उनका कर देंगे अपनी यूथ का, अपनी जो हमारी जो पावर है, हमारी जो बैकबोन है, तो उसका फिर हल क्या निकलेगा। ठीक है, आप यूथ को भी बड़ा इनसिक्योर समझ रहे हैं यहाँ पे, और ये अगेन आप इनको जो तमाम फैक्टर्स गजाला साहिबा ने रखे उनको मसाइल का हल नहीं मान रहे। इमदाद साहब तमाम वट आवाज पहुंचे पे असांजो लाइन ते आयो असां सा जी, जी, जी बिल्कुल। इमदाद साहब मुख्तलिफ गालियों जेको आहे मिर्ज़ा साहब भी रखियो, जेकी पेट्रोल सब्सिडी वाली गाल आए उन्हनि बाबति उन्हनि चयो त IMF उन्हनि खां हुकूमत खां वधीक डिटेल्स घुरे पई त ही कॾहिं तव्हां पैसा आणींदव, इनखे कीअं तव्हां जेको आहे अॻिते खणी वेंदा। पर हुकूमत जी जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था त हू चवनि था त ही IMF खे को कंसर्न कोन आहे, वॾे मज़े सां टीवी ते अची करे इंटरव्यूज़ ॾियनि था असांजा जेके आहिनि मिनिस्टर्स। सो ही अवाम को आख़िर काॾे वञे, या ही बेवकूफ़ बणाइनि पिया अवाम खे, या ऐं सिधी सही जेकी ज़िमेदारी तव्हांखे बि नज़र अचे पई उहा अल्टीमेटली यानी हुकूमत जी नज़र अचे पई, हुकूमत ई हिन वक़्तु सभ खां वधीक ज़िमेवार आहे, ऐं हुकूमत ई तव्हांखे पंहिंजी हुकूमत बचाओ मुहिम असीं चऊं त उहा हलाए पई, जो आख़िर वेंदे वेंदे ई सब्सिडीज़ ॾींदी वञे पई। लैला साहिबा ॾिसो, 2008 खां वठी 2023 ताईं तक़रीबन 14-15 साल सिंध में त पीपल्स पार्टी आहे।
सोरह जमायत मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इन गर्जी पीडीएम इमरान खान के जैसे हटाया तकरीबन उनके साल मुकम्मल थे अचे पो तो का शि न पी थे इन में साबित थे तो हीड़ो नाहल मानन जो टोलो आ जिनके न हुकूमत हलण थी अचे न उ पॉलिसियो अचन जिनसा आम मानु के को फायद पहुंचे मुझी जाती राय में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सस्तों अटो प्रोग्राम मोटरसाइकिल से पेट्रोल की सब्सिडी ये सब आवाम सेड़ो संगीन मजाक आ अच्छा। पेट्रोल सब्सिडी स्कीम ने केदी माला चवन था तो मोटरसाइकिल तीन पानी होाले से रजिस्टर्ड हो हफ्ते में तेतो पेट्रोल दियण पव ये सब कुछ भी ना जी तुम हुकूमत बचा प्रोग्राम आिफी जो हुकूमत की फेस सेविंग इन का शि का पी थे इन महल तीन जैस ती भी आवाम के लिए सही पॉलिसियों एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में सही पॉलिसियों असें वे में वही इंडस्ट्री जी हुई काटन काटन इंडस्ट्री से लागापल हुई तो हिंसर असों तो जो मू काटन इनपुट्स केतरा जो इनपुट केतरा महादार हिंसर काटन जो कैश क्राफ न रो मू काटन का माना हटन पाया उनका अलावा काटन इंडस्ट्री असा का मतलब सफा पोते पेची वे श्रीलंका ही बांग्लादेश जोड़ो मुल्क असा का अगते निकली पियो आ सही अफगानिस्तान अगते निकरदो बने पयो असा का बिल्कुल सही गाल आ असा जते बेन मुल्क में बीदा आसी त पाकिस्तान जा कपड़ा असा के नजर ईदा हन ओ बस असा का माना वजे पियो सिर्फ ही सिर्फ असा वट इंपोर्ट से इंपोर्ट सा हाशे जी इंपोर्ट आ आई भोगे रहा हूँ तो उन्होंने हणन अग्या वाली पार्टी जो है इमरान खान से हणे पई तो ये तक लगे तो परते परते ताई को हल या को सॉल्यूशन दिसंदे बिल्कुल भी नजर को अचे पो तो ये सिलसिलो हलंदो रहंदो मरकजी हुकूमत आ सिर्फ पानी खल बचाने में पूरी आ जेका सूबाई हुकूमत आ जेका असानी सिंध में पीपल्स पार्टी आ वो इन में आ त घड़े का घणो असा केतरो वक्त आई केड़े तरीके सा इख्तदार में रहू न मरकजी हुकूमत के न सिंध हुकूमत के आवाम जी के भी किस्म जी परवाह ना आए ठीक है जैसे इमरान खान की नाहली के कर इमरान खान जम से मुआद मुल्क जन पोजिशन से पहुतो है तो साल में कड़ो बूटो मारो इन महल तेड़े सेक्टर में बेहतरी आती है को सेक्टर ही बुधाए पचवंजा रुपये अटो अज 150 रुपये में अटो को तो मिले तो जे अस मानी जी तौर पर बुधा तो मुझी 1.5 लाख रुपये के वेझो पगार आ पर बजट नो ठा सका इन में तंदाजो लगा तो जैसे 25,000 30,000 पगार आ या जो दिहाड़ी वो मजदूर आने घर में कड़ी पोजिशन आी तर सिग्नल से फकीर जा घुरण वारन जा जेके टोला नजर सा अचन ही तो उहे माण्हुनि जेके घुरी सकन था या त ॾाढो अहम पॉइंट रेज कयो इमदाद साहब जेके जगह जगह ते हाणे असां के फॉर्मल ड्रेसिंग सा नजर अचन पया टोला असां के माण्हुनि जा जेके पिन कन पया खैरात घुरन पया सो बहरहाल आखिर में असीं कंक्लूजन जी तरफ वधंदासीं हल जेको आहे छा आहे उन तरफ आऊं तमाम महिमाननि सां क्विकली जेको आहे वठण चाहींदसि रिमार्क्स आमिर साहब हल क्या है क्विकली अगर आप इसको कंसाइजली बताना चाहें तो जी इसका जो हमारा आम आदमी खुश कब होगा आम आदमी उस वक्त खुश होगा जब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान मुस्तहकम होगा पाकिस्तान मुस्तहकम कैसे होगा उसके लिए आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना पड़ेगा एक मिनी चाइना बनना पड़ेगा आपको हर चीज़ यहाँ बनानी पड़ेगी रिसर्च में जाना पड़ेगा और उसकी लैब्स लगानी पड़ेंगी आप जो चीज बाहर से मंगवाते हैं आप यहाँ बनाएं और पूरी दुनिया को दें ठीक है प्रोडक्टिविटी और रिसर्च आपके नजदीक हल हैं डॉक्टर मिर्जा आपकी तरफ आप क्या कंसाइजली बताना चाहेंगे हल क्या है मसलों के आम आदमी कैसे खुश होगा महंगाई इस तरह के मसाइल कैसे खत्म किए जा सकते हैं देखिए पहली चीज तो ये मुल्क में जो सियासी इंतशार है पोलराइजेशन ये ख़त्म करें खुदा के वास्ते पे जो असम्बलियाँ टूट रही हैं मार्च हो रहे हैं रैलियाँ निकल रही हैं कोर्ट कचहरी ये जजमेंट आने वाली है वो उससे बिल्कुल मुल्क में सियासी अदम सकाम सियासी इंतजार पोलराइजेशन और बेयकीनी सूरत हाल है हम लोग कोई पोजीशन ही नहीं ले सकते जो आप कहते हैं इतने लोग चले गए लोग बाहर इंडस्ट्री का सोच रहे हैं यही मेन वजह है कि इस मुल्क में उन्हें स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है सबसे पहले तो इन सियासी जमातों को चाहिए खुदा ना चार्टर ऑफ
इकोनॉमी पे साइन करें कि 5-10 साल का एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म एक इकोनॉमिक मैप बनाए और हर सियासी जमात, चाहे वो हुकूमत में हो या पोजीशन में हो, वो उसको रिस्पेक्ट करे, वो उसको उस पर अमल दरामद करे। सबसे लिए सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ज़रूरी है कि मुल्क का इस्तेकाम हो और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन किया जाए। ठीक है, सियासी इंस्टेबिलिटी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को आप जो है करार दे रहे हैं कि ये मसले का हल हो सकता है और इन सियासी इंस्टेबिलिटी को जल्द से जल्द जो है वो स्टेबलाइज किया जाए। तो आपका पॉइंट आ चुका, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मिर्ज़ा, आपने टाइम दिया और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट किया। अहमदाद साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तमामु मुख़्तलिफ़ फैक्टर्स खे ॾाढो राइटली पॉइंट आउट कयो ऐं आम माण्हू जी ॻाल्हि कई। आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, समूरी गुफ्तगू मां इहो ई सम्झ में आयो त हिन वक़्त जेको कुझु बि थी रहियो आहे, जेके मसला ख़ासि करे असांखे महांगाईअ जे हवाले सां नज़र अचनि पिया, जेको असरु आहे उहो आम माण्हूअ ते पवे थो, आम माण्हू मुतासिर थिए थो, आम माण्हू जी ज़िंदगी जंजाल थिए थी। असांजा सियासतदाननि सुठनि बंगलनि, सुठनि गाॾियुनि में घुमंदा वरतनि था। ऐं आख़िर में वेंदे वेंदे तव्हांखे आवाम जा सूर जेको आहे ॿुधाईंदी वञा थी। हिकु रिपोर्ट जेको आहे काज़ी हालार जी, काज़ी हालार ठाही आहे, उन ते तव्हां ॾिसंदा वञो त आवाम रमज़ान जे महीने में कहिड़ियूं दाहूं ऐं कूका करे पई। सो इजाज़त ॾींदा, तव्हां रिपोर्ट ॾिसी वठो ऐं उनखां पोइ तव्हांखां असीं इजाज़त थी वठंदासीं। थैंक यू। सब्ज़ी टींडे सिर्फ़ आप देख लें कि वहाँ पे 240 रुपए के किलो मिल रहे। अब सिर्फ सब्ज़ी, सिर्फ उसमें सिर्फ टींडे तो नहीं पड़ेंगे, उसके में कम से कम 1000 रुपए की सब्ज़ी सिर्फ आप पका सकते हैं। क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या फ्रूट खिलाएंगे, क्या आपके खर्चे पूरे नहीं होते? कोई महंगाई के बारे में सोच ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है, उससे ज़्यादा हमारे जो आवाम है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा पता नहीं क्या पी के सोए हुए, कि सोचते ही नहीं है, पूछते नहीं है, कोई एहतजाज नहीं करने वाला, कोई बात ही नहीं करने वाला। महंगाई काथे पुगी आहे, गरीब माण्हू 20-25 हज़ार पगार में छा थींदो? हिननि वेल करे छॾियो आहे, ज़ुल्म कयो आहे असां सां। हे रमज़ान लॻो पियो अॻे, असां अॼुकल्ह महांगाई ॾिसे थो किथे पुगी आहे, कंहिं ग़रीबी कॾहिं पूरी थींदी? महांगाई असांजो बुरो हाल करे छॾियो आहे, तमामु परेशान आहियूं। लेबर जी असां वटि कमु कंदा, हुनजी 15 हज़ार पगार आहे। हाणे 15 हज़ार मां छा कंदा? कराची में खाईंदा पीअंदा या पंहिंजे पालकनि मोकिलींदा? ॾाढो परेशान आहिनि, असां हुननि सां गॾु परेशान आहियूं। महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो ग़रीब माण्हू जो वसु नथो हले। जेकॾहिं को इंसानु फ्रूट खणणु थो चाहे त सिर्फ़ु ॾिसे थो, परचेज नथो करे सघे, वठी नथो सघे। 15 ॾींहं जो तेल था ॾियनि, उहो बि हिन ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, को रिलीफ न मिलियो आहे। हिननि जी सॼी ज़िंदगी सिर्फ़ु ॻाल्हाइणु आहे, सिर्फ़ु ॻाल्हियूं। जेको वज़ीर अचे थो, जेको मिनिस्टर अचे थो, वज़ीर अला अचे थो, वज़ीर आज़म अचे थो, आवाम खे त को बि रिलीफ न आहे न। महांगाई एतिरी थी वई आहे, बिटयाबाद में ॿियो वाक़ियो आहे ख़ुदकुशी जो। ऐं पेट्रोल ॾिसो था केॾो महांगो थी वियो आहे, फ्रूट जीअं रमज़ान आयो आहे, माफ़िया जेको आहे सरगर्म थी विया आहिनि। महांगाई एॾी थी वई आहे, ग़रीब माण्हुनि खे जीअण जो बि जेको आहे मुश्किल थी पियो आहे। असांजा ख़र्चा छा पूरा थींदा? 15 हज़ार 20 हज़ार सैलरी मां मूंखे ॿुधायो, अटो मिलंदो वठूं या गिहु वठूं, खंडु वठूं, पत्ती वठूं, या घरनि जा किराया ॾियूं? 9-9, 10-10 हज़ार रुपया घरनि जा किराया थी विया आहिनि। वरी हेॾो हेॾो ठूठ जेॾो बिजली जो बिल था मोकिलनि। हाणे बचनि खे खारायूं या बिजली जा बिल पूरा कयूं? न रस्ता ठहियल आहिनि, न रोड आहिनि, का शइ न आहे, न सिंध हुकूमत कुझु कयो आहे, न वफ़ा कुझु कयो आहे, असां बुख था मरूं। असां कमायूं 1000 रुपयो तारीख़, 1000 रुपए में असांखे मिले छा थो? का शइ असांजी जेका मिले कोन थो, न असांजो का अटो था वठी सघूं, न असां गिह था वठूं, इहे शइ वठूं था त असां घर जो मसवाड़ा भरियूं कीअं? असां बिल्कुलु परेशान थी विया आहियूं, बे इंतिहा परेशानी वधी वई आहे असांजी। तंहिंखां पोइ असां इहो चई सघूं था त वॾनि खे जेका असां आहिनि त बाबा महिरबानी कयो, हीअ महांगाई जेका तव्हां पंहिंजी हटायो। महांगाईअ जी जेका शरह आहे मुल्क में, उन में तेज़ीअ सां वाध थी रहिया, ख़ासि तौर ते गुज़िरियल 3 महीननि में उहा महांगाई जी शरह जेका महीनेवार जेका उहा 30-40% आहे। जेका मार्च महीनो आहे, फेबरवरी मार्च, इन में तक़रीबन 50% जेको आहे सो महांगाईअ में वाध रिकॉर्ड कई हुई। हाणे इन हिसाब सां सम्झो त तव्हां माना गुज़िरियल 3-4 महीननि खां तक़रीबन 50% महांगाई वधी वई आहे। पघारूं पूरियूं नथी थियनि, गुरबत वधी वई आहे, महांग तमामु घणी थी वई आहे, महिरबानी करे गुरबत ख़तमु कयो। 272 रुपए पेट्रोल है और सवारी से किरायो मांगते हैं, सदर जाना होता है 200 किरायो मांगते हैं तो वो बोलते हैं 150 दे दो। बस इस हुकूमत से तंग आ गए बिल्कुल, अब क्या करते, आदमी मर भी नहीं सकता, खुदकशी करना भी हराम है। ये ना किसी गरीबों को तो जीने नहीं देगी, पहली बात तो ये, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब दसता जा रहा है। अब इतनी महंगाई में अब सुबह शाम हम पेट्रोल डलवाने से भी तंग आ रहे हैं, हर चीज़ में गरीब तंग है। हुकूमत या पाकिस्तान ये सोचे यार कि गरीब को वैसे ही मार दें या वो खुद खुदकुशी कर ले। चवा बस ॾाढो मुश्किल आहे, बस सलाह हलाए दो। बाक़ी महांगाई ॾाढी थी वई आहे, हर शइ महांगी थी वई आहे, पेट्रोल महांगो थी वियो आहे,
जेड़ी भी शय हर शय महंगी थी वही है तकरीबन। तो गवर्नमेंट के थोड़े रिलीफ दे गरीब आवाम के जेके भी मजदूर तबको उनके रिलीफ दे और पेट्रोल घटा जाए पेट्रोल डीजल घट भी दे इंशाल्लाह हर शय सस्ती थी वी। आज कल काम भी नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गया। हाँ ना, पेट्रोल भी महंगा हो गया आजकल, लोग गरीब लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। काम वाम नहीं है, आज रमज़ान भी आया हुआ, फिर महंगाई बहुत है। महंगाई तो भाई बहुत ज़्यादा है जो गरीब लोग का जीना मुश्किल हो गया है। और हुक्मरानों को तो सोचना चाहिए कि यार हम जो महंगाई कर रहे हैं तो अभी गरीब लोग का कैसे गुजारा होगा। जो 500 रुपया दिहाड़ी उठाने वाला वो कैसे अपने बच्चों की हाल चाल वो कैसे देखेगा, इनको सोचना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल तो सबसे बड़ा मसला है, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या नाम है महंगाई कम होगी। आटा भी सस्ता होना चाहिए भाई, जो खाने पीने की अशिया है वो कम से कम सस्ती होनी चाहिए।